जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। भारत का इतिहास जो कभी बहुजन नजरिए से लिखा ही नहीं गया, वो बहुजन योद्धा जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, वो वीरांगनाएं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए दम तोड़ दिया, वो महान क्रांतिकारी जिनका नाम लिखते वक्त इतिहासकारों की कलम की स्याही सूख गई। कुछ खास लोगों द्वारा कुछ खास लोगों के लिए लिखे गए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुजन नायक और नायिकाओं को कभी भी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो असली हकदार थे। यहाँ तक कि अंग्रेजों के लिए मुखबरी करने वाले और उनके तलवे चाटने वालों तक को महान क्रांतिकारी घोषित कर दिया। लेकिन अब इन बहुजन महानायकों की कहानियां खुद जमीन फाड़कर बाहर निकल आई हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर द शूद्र पर देखिए 15 महान बहुजन योद्धाओं की सच्ची कहानियां। स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद तिलका मांझी। आपको किताबों में पढ़ाया जाता है कि अपने धर्म के लिए विद्रोह करने वाले मंगल पांडे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन असल में मंगल पांडे से 72 साल पहले ही बहुजन समाज के तिलका मांझी अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर चुके थे। 13 जनवरी 1785 को अंग्रेजों ने तिलका मांझी को सरेआम बरगद के पेड़ पर लटका दिया था। पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ है गुस्सैल और लाल आंखों वाला व्यक्ति। आदिवासी तिलका ग्राम प्रधान थे और पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहकर पुकारने की प्रथा है, इसलिए वो तिलका मांझी के नाम से मशहूर हुए। लेकिन उनका मूल नाम जबरा पहाड़िया था। अंग्रेजों ने जबरा पहाड़िया को खूंखार, डाकू और गुस्सैल कहा था। 1771 से 1784 तक तिलका मांझी ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। उन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया, वो ना कभी झुके और ना ही डरे। उन्होंने स्थानीय जातिवादी सूदखोरों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ भी हल्ला बोला। जबरा पहाड़िया ने भागलपुर के अत्याचारी कलेक्टर अंग्रेज क्लीवलैंड को मार गिराया। बाद में आयरफुट के नेतृत्व में जबरा की गुरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला हुआ, जिसमें कई आदिवासी लड़ाके मारे गए और जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 4 घोड़ों से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। मीलों घसीटे जाने के बाद भी तिलका मांझी जीवित थे। खून में डूबी उनकी देह तब भी गुस्से से भरी हुई थी और उनकी लाल आंखें ब्रितानी राज और दीकों को डरा रही थी। आदिवासियों में दहशत पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें सबके सामने खुलेआम फांसी दी। अंग्रेजों ने भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वट वृक्ष पर सरेआम उन्हें लटका दिया। हजारों की भीड़ के सामने जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तारीख थी शायद 13 जनवरी 1785। लेकिन इतिहासकारों ने मंगल पांडे को हीरो बना दिया। अब जरा सोचिए, अगर चर्बी वाले कारतूस न लाए गए होते तो अंग्रेजी सेना में नौकरी कर रहे मंगल पांडे की बंदूक किसके खिलाफ चलती, या विद्रोह से पहले मंगल पांडे की बंदूक की गोलियां किन को छलनी कर रही थी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। वैसे मंगल पांडे के जन्म से पहले ही शहीद उदैया चमार ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। शहीद उदैया चमार। पहले स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर तिलका मांझी और उनके साथियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए युद्ध की आग धीरे धीरे बढ़ चली थी। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ 1804 में एक बार फिर से विद्रोह फूट पड़ा। छतारी के नवाब नाहर खां अंग्रेजी शासन के कट्टर विरोधी थे। 1804 और 1807 में उनके बेटों ने अंग्रेजों से घमासान युद्ध किया। इस जंग में जिस व्यक्ति ने उनका भरपूर साथ दिया वो उनके परम मित्र उदैया चमार थे। हालांकि उदैया चमार के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये साफ है कि उनकी वीरता का लोहा अंग्रेज भी मानते थे। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में नवाब नाहर खां की ओर से लड़ते हुए उन्होंने अकेले ही सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में उदैया चमार पकड़े गए और 1807 में उन्हें फांसी दे दी गई। उदैया की गौरव गाथा आज हर किसी को वीरता से भर देती है। आजादी की लड़ाई में बहुजन समाज के योद्धाओं ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। तीर भालों से लैस दलित आदिवासियों ने बंदूकधारी अंग्रेजों से सीधा मुकाबला किया। ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे संताल विद्रोह के सिद्धो और कानू। सिद्धो कानू का संथाल विद्रोह। वर्तमान झारखंड के संथाल परगना में सिद्धो और कानू नाम के दो आदिवासी भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया था। इन दोनों भाइयों ने 1855-56 में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों और जातिवादी जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी,
जिसे संथाल विद्रोह या होल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। 30 जून 1855 को भेगनाडी में संथाली आदिवासियों की एक सभा हुई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। संथाल विद्रोह भोगनाडी से शुरू हुआ, जिसमें संथाल तीर धनुष से लैस अपने दुश्मनों पर टूट पड़े। कई अंग्रेज अफसरों और सिपाहियों को मार गिराया गया, लेकिन उनके पास सिर्फ तीर और धनुष थे, जबकि अंग्रेजों के पास बंदूकें और गोला बारूद था। दोनों भाइयों को पकड़कर फांसी दे दी गई, लेकिन इन आदिवासी क्रांतिकारियों को इतिहासकारों ने कभी जगह नहीं दी। जरा सोचिए, अगर मंगल पांडे को कभी ये नहीं पता चलता कि कारतूसों में गाय की चर्बी है, तो क्या वो विद्रोह करते? अगर मंगल पांडे को ये खुफिया जानकारी नहीं मिलती तो क्या होता? लेकिन ये जानकारी उनको किसने दी? वो कौन था जो 1857 की क्रांति का सूत्रधार बना? उनका नाम है माता दीन भंगी। शहीद माता दीन भंगी। माता दीन के पुरखे अंग्रेजी शासन में सरकारी नौकरी में थे। माता दीन को भी बैरकपुर फैक्ट्री में खलासी की नौकरी मिल गई। ये अंग्रेज सेना के सिपाहियों के लिए कारतूस बनाए जाते थे। इन्हीं कारतूसों को तमाम हिंदू सैनिक अपने मुंह से खींचकर और बंदूकों में भरकर इस्तेमाल करते थे। माता दीन मल्ल युद्ध के शौकीन थे, वहीं मंगल पांडे भी अखाड़े में आया करते थे। एक दिन गर्मी से तरबतर थके मांदे प्यासे माता दीन ने मंगल पांडे से पानी का लोटा मांगा। मंगल पांडे ने इसे एक अछूत का दुस्साहस समझते हुए उन्हें झड़क दिया और कहा, अरे भंगी, मेरा लोटा छूकर अपवित्र करेगा क्या? फिर क्या था? इस अपमान से जले माता दीन ने वो राज खोल दिया जो सालों से दबा हुआ था, जिसने 1857 की क्रांति की नींव रखी। माता दीन ने मंगल पांडे को ललकार दिया और कहा, पंडित, तुम्हारी पंडिताई उस समय कहां चली जाती है जब तुम और तुम्हारे जैसे चुटियाधारी गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटकर बंदूकों में भरते हो। ये सुनकर मंगल पांडे सन रह गया। जल्दी ही माता दीन की ये बात हर बटालियन और छावनी में फैल गई। माता दीन के कहे कड़वे सच ने सेना में विद्रोह के हालात पैदा कर दिए। सारे हिंदू सैनिक सुलग रहे थे। 10 मई 1857 को मंगल पांडे परेड मैदान में लाइन से निकलकर बाहर आ गया और एक अधिकारी को गोली मार दी, जिसके बाद विद्रोह बढ़ता चला गया। इसके बाद मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे को फांसी देने की बात सभी जानते हैं, लेकिन एक सच से तमाम लोग आज भी अनजान हैं। विद्रोह फैलाने के जुर्म में अंग्रेजों ने माता दीन को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद माता दीन को भी अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। इस तरह माता दीन भंगी ने जो चिंगारी लगाई थी, आखिरकार वो चिंगारी सन 1947 में भारत की आजादी की वजह बनी। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में वीरा पासी का नाम कभी भी इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। जिस वक्त लोग दो आने की नौकरी करते थे, उस वक्त अंग्रेजों ने वीरा पासी पर पूरे 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। शहीद वीरा पासी। 11 नवंबर 1835 को रायबरेली के हीरापुर गांव में जन्मे वीरा पासी शंकरपुर स्टेट के राजा राणा बेनी माधव सिंह के सेनापति थे। कुश्ती में माहिर वीरा पासी दुश्मन को हाथों से ही मसल देते थे। 1857 के संग्राम में हिस्सा लेने के कारण जब राजा राणा बेनी माधव सिंह को अंग्रेज पकड़कर लखनऊ जेल में ले गए, तो वीरा पासी उन्हें वहां से सुरक्षित छुड़ा लाए। कहते हैं जब अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें रोकना चाहा, तो उन्होंने अपनी भुजाओं में जकड़कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वीरा पासी ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। वो अंग्रेजों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गए थे कि ब्रिटिश सरकार वीरा पासी को पकड़ने के लिए 50,000 के इनाम की घोषणा कर देती है। जरा सोचिए, 1857 में जिस आदमी पर 50,000 का इनाम था, वो अंग्रेजों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होंगे। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम बाके चमार का भी है। यूपी के जौनपुर के कोवरपुर गांव के रहने वाले बाके चमार आजादी के लिए इतने दीवाने थे कि इसी जज्बे के साथ वो खुद ही 1857 के आंदोलन में कूद पड़े। शहीद बाके चमार। बांके चमार का अंग्रेजों से कई बार सामना हुआ, लेकिन हर बार वो अंग्रेजों को चकमा देकर बच जाते थे। अंग्रेज बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें नहीं पकड़ पाते थे। देखते देखते बांके अंग्रेजों के लिए एक चुनौती बन गए। 1857 की क्रांति विफल होने पर 18 लोग बागी घोषित किए गए थे। उनमें बांके चमार का नाम सबसे प्रमुख था। अंग्रेज उन्हें पकड़ने और सजा देने को बेताब थे। आखिरकार अपने सारे प्रयास कर लेने के बाद अंग्रेजों को उनको पकड़ने में मदद करने के लिए 50,000 रुपए की रकम घोषित करनी पड़ी।
वीरा पासी के बाद बांके चमार दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन पर इतना बड़ा इनाम रखा गया था। लेकिन एक दिन अपने एक साथी की मुखबिरी के बाद बांके को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और अंग्रेजों ने उन्हें 18 क्रांतिकारियों के साथ फांसी पर लटका दिया। इस तरह ये वीर सपूत मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। लेकिन बांके की इतनी बड़ी शहादत को कांग्रेसी और वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों से ही गायब कर दिया। इसलिए किसी ने ठीक कहा है, निगाह से गिरे तो इतिहासकार हैं, निगाह में चढ़े हैं तो बांके चमार हैं। शहीद गंगादीन मेहतर। गंगू बाबा के नाम से मशहूर शहीद गंगादीन मेहतर को कानपुर के लोग आज भी सम्मान के साथ याद करते हैं और उनकी वीरता के किस्से सुनाते हैं। वो भंगी जाति के थे और उस दौरान वो पहलवानी भी करते थे। वो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध सती चौरा के करीब वीरता से लड़े। कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने के बाद आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। चिन्हट की लड़ाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। चिन्हट की लड़ाई में 200 पारसियों ने अंग्रेजों की फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। मक्का पासी। 10 जून 1857 को अंग्रेजों की आर्मी का एक दस्ता लॉरेंस हेनरी की कमान में अवध से चिन्हट और बाराबंकी जा रहा था। मक्का पासी ने 200 पारसियों को लेकर उनका रास्ता रोका और कई अंग्रेजों को मार गिराया। चिन्हट की इस ऐतिहासिक लड़ाई में विद्रोही सेना की विजय हुई और हेनरी लॉरेंस की फौज को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस लड़ाई में मक्का पासी शहीद हो गए थे। चिन्हट की लड़ाई में मक्का पासी शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत का बदला उनकी पत्नी उदा देवी पासी ने लिया। उदा देवी पासी की हिम्मत के अंग्रेज अफसर भी कायल थे। उदा देवी पासी। 1857 के विद्रोह के दौरान 2000 विद्रोही सैनिकों ने लखनऊ के सिकंदर बाग में शरण ले रखी थी। 16 नवंबर 1857 को कोलिन कैंपविल की अगुवाई में अंग्रेज सैनिकों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सिकंदर बाग की उस समय घेराबंदी की जब विद्रोही सैनिक या तो सो रहे थे या बिल्कुल भी सावधान नहीं थे। उदा की अगुवाई में वाजिद शाह की स्त्री सेना की टुकड़ी भी हमले के वक्त इसी बाग में थी। असावधान सैनिकों की बेरहमी से हत्या करते हुए अंग्रेज सैनिक तेजी से आगे बढ़ते रहे। हजारों विद्रोही सैनिक मारे जा चुके थे, पराजय सामने नजर आ रही थी। मैदान के किस्से में महिला टुकड़ी के साथ मौजूद उदा देवी ने पराजय निकट देखकर पुरुषों के कपड़े पहन लिए। हाथों में बंदूक और कंधों पर भरपूर गोला बारूद लेकर वो पीपल के ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। ब्रिटिश सैनिकों को मैदान के उस हिस्से में आता देख उदा देवी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पेड़ की डालियों और पत्तों के पीछे छिपकर उन्होंने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदर बाग के उस हिस्से में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जब तक उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। उदा देवी ने अकेले ही ब्रिटिश सेना के 2 बड़े अफसरों कूपर और लैम्सटन सहित 32 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। गोलियां खत्म होने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने पेड़ को घेर कर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। कोई उपाय न देख जब वो पेड़ से नीचे उतरने लगी तो उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। लाल रंग की कसी हुई जैकेट और पैंट पहने उदा देवी की लाश जब पेड़ से जमीन पर गिरी तो उसका जैकेट खुल गया। कैंपबेल ये देखकर हैरान रह गए कि वीरगति को प्राप्त हुई ये बहादुर सैनिक कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी। कहा जाता है कि उदा देवी की स्तब्ध कर देने वाली वीरता से अभिभूत होकर कैंपबेल ने हैट उतारकर उन्हें सलामी और श्रद्धांजलि दी थी। स्कूल से लेकर कॉलेजों तक यही पढ़ाया जाता है कि झांसी की रानी ने रण में कितनी बहादुरी दिखाई, लेकिन ये सच हमेशा छुपा लिया गया कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई के कपड़े पहनकर झलकारी बाई ने अंग्रेजों से उन्हें बचाया और रानी की जगह वो खुद घोड़े पर सवार होकर जंग लड़ रही थी। झलकारी बाई। 1857 में जब जनरल ह्यूरोज की सेना ने झांसी के किले पर हमला किया तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनके बेटे के साथ गुप्त रास्ते से सुरक्षित निकाल दिया गया था। असल में झलकारी बाई ने रानी के कपड़े पहनकर अंग्रेजों को उलझाए रखा। झलकारी बाई ने गाजर मूली की तरह अंग्रेजों को काट डाला। दिन ढलने के बाद जब झलकारी बाई पकड़ी गई तो अंग्रेजों को पता चला कि ये तो रानी लक्ष्मीबाई हैं ही नहीं। महान वीरांगना झलकारी बाई जंग के मैदान में ही शहीद हो गई। लेकिन खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी तरह की कहानियां लिखने वाले कांग्रेसी और वामपंथी इतिहासकारों ने 1857 के गदर का इतिहास लिखा तो झलकारी बाई के सबसे बड़े बलिदान को भुला दिया। चेताराम जाटव।
चेताराम जाटव की बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन महाराजा पटियाला ने एक आदमी को देखा जो एक शेर को पीठ पर लादकर जा रहा था। पूछने पर पता चला कि उस आदमी ने बिना हथियार के ही शेर को मार गिराया। राजा ने उसे अपनी फौज में शामिल होने के लिए कहा। राजा के कहने पर वो फौज में शामिल हो गया। उस व्यक्ति का नाम था चेताराम जाटव। लेकिन अंग्रेजों द्वारा जनता को परेशान करता देख वो उनसे लड़ पड़े, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पेड़ से बांधकर गोली मार दी। बालूराम मेहतर। बालूराम मेहतर ने भी अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और उनको 16 दलितों के साथ पेड़ से बांधकर फांसी दे दी। धरती आबा बिरसा मुंडा। केवल 25 साल के बिरसा मुंडा की हत्या अंग्रेजों ने धीमा जहर देकर कर दी थी, लेकिन उनके उल गुलान और बलिदान ने उन्हें भगवान बना दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा। झारखंड की राजधानी रांची से 70 किलोमीटर दूर खूंटी जिले में पहाड़ों जंगलों से घिरे उलीहातू गांव के जनजातीय मुंडा दंपति सुगना मुंडा और कर्मी के घर 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। बिरसा मुंडा ने हमेशा आदिवासी समाज को अंधविश्वासों और ढकोसलों के चंगुल से बाहर निकालने पर काम किया। वो आर्थिक स्तर पर हो रहे शोषण के खिलाफ भी चेतना पैदा करते रहे, जिसके फलस्वरूप सारे आदिवासी शोषण के विरुद्ध संगठित होने लगे और बिरसा मुंडा ने उनकी कमान संभाली। सन 1885 से 1900 तक बिरसा मुंडा का महाविद्रोह उल गुलान चला। आदिवासियों को लगातार जल जंगल जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किया जाता रहा और वे इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने उल गुलान कर दिया। संख्या और संसाधन कम होने की वजह से बिरसा ने छापामार लड़ाई का सहारा लिया। रांची और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस उनसे जबरदस्त खौफ खाती थी। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा था, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक लड़ाई 1900 में रांची के पास दुमरी पहाड़ी पर हुई। हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा की अगुवाई में लड़े, पर तीर कमान और भाले कब तक बंदूकों और तोपों का सामना करते। लोग बेरहमी से मारे गए। 25 जनवरी 1990 के स्टेट्समैन अखबार के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे। अंग्रेज जीते तो सही, पर बिरसा मुंडा हाथ नहीं आए। लेकिन जहां बंदूकें और तोपे काम नहीं आई, वहां 500 रुपए की रिश्वत काम आ गई। बिरसा की ही जाति के लोगों ने उन्हें पकड़वा दिया। बाद में उन्हें जहर देकर मार डाला गया, लेकिन उनकी शहादत की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। ऐसी ही प्रेरणादायी कहानी है शहीद उधम सिंह की। एक ऐसा शहीद जिसने जलियांवाला बाग का बदला 6311 किलोमीटर दूर जाकर लिया। शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह एक ऐसा नाम है जो सदियों में एक बार पैदा होता है। जलियांवाला बाग कांड उनकी आंखों के सामने हुआ था, जिसके बाद उसका बदला लेना ही उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया था। सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर को उसी की सरजमी पर गोलियों से भून डाला। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैंगस्टन हॉल में उधम सिंह किताब में बंदूक छुपा कर ले गए और पंजाब के पूर्व गवर्नर माइकल ओडायर पर फायर कर दिया। इसके बाद उधम सिंह भागे नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण कर दिया। 31 जुलाई 1940 को उन्हें लंदन में फांसी पर लटका दिया गया। बाबू मंगूराम। बाबू मंगूराम जाति से चमार थे। उनका जन्म 1886 ग्राम मोगावाल, जिला होशियारपुर, पंजाब में हुआ था। वो देश के लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत रहे। बाद में देश आजाद होने के बाद वो राजनीति में आ गए और गदर पार्टी नाम से अपनी पार्टी शुरू की। वो आजीवन समाज की भलाई के लिए काम करते रहे। इन कहानियों के जरिए हमारा ये मकसद नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम के बाकी सेनानियों के बलिदान और त्याग को कम आंका जाए। हम बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने में हर तबके का योगदान है। बहुजन समाज ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन आज तक उनके योगदान को इतिहास में सही जगह नहीं मिली। ये वीडियो एक कोशिश है कि ऐसे बहुजन नायक और नायिकाओं को उतना ही सम्मान मिले जितना बाकियों को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। इसके अलावा आप हमें Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।
74वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सुमित चौहान और कैमरे के पीछे है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। जय भीम, जय भारत।